नेटवर्क इशू के कारण थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, थोड़ा सा लेट हुआ, हम भी एक घंटे से परेशान कर रहे हैं। कल मीटिंग है और मीटिंग के आगे फर्दर क्या करना है उस पर ध्यान देनी है, इसलिए आज लाइव में जुड़े हमारे तमाम बिहार के तमाम गार्जियन साथियों भाइयों एवं क्रांतिकारी बहने सबको हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आज इस चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि 2018 के डेरूल से रिलेटेड जितने भी हमारे बिहार के तमाम संविदा कर्मी बहने प्रेशर बहने जो मेरी आवाज को सुन रहे हों, जिनको लगता है कि हमें भविष्य बनानी चाहिए, कल के मीटिंग में आपका सशरीर धन्यवाद और उपस्थित हो सभी लोग अपना अपना विचार व्यक्त करें, खुले मंच है ताकि सारे लोग अपनी प्रॉब्लम को भी बताएं, किन्हीं किन्हीं का कोई भी प्रॉब्लम वो भी बताएंगे और सर्वसम्मति से इस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि फर्दर आगे क्या करना है। हमारे जितने भी प्रबुद्ध गार्जियन है आपसे भी आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि भविष्य का 2018 के डरूल का शायद मेरे तरफ से ही अंतिम मीटिंग होगी। और इस मीटिंग का नाम है विज्ञापन संख्या 07/2022 कैडर रोल 2018 सुप्रीम कोर्ट हेतु हमारे बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एन एम बहने का राज्य स्तरीय बैठक, हेडिंग यही रहेगा। और उम्मीद करता हूं कि लोग का जिस तरह से रिस्पॉन्स है, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, लोग एक्टिव दिख रहे हैं। बिल्कुल बहने, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, ये सुरजीत का कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। सुरजीत अपने आप में ताकत नहीं है, ये पूरी टीम की ताकत है, बस आपका एक ताकत से सुरजीत नेतृत्व कर रहा है। और मैं हमेशा जब जब सरकार जिस चीज में हस्तक्षेप की है मैं उसका विरोध कर करके खड़े उतरा हूं और भगवान के कृपा से आज तक मुझे सफलता मिली है। और आप लोग को आशा और विश्वास दिलाता हूं जो भी 2018 कैडर रूल के हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, हमारे जितने भी बहने हैं, एक एक पॉइंट को एकदम शॉर्ट आउट किया हूं। एकमात्र चीज बची थी जो बार बार हो रहा था कि आप जो है लिस्ट जो है जारी कीजिए और हमको भी प्रोवाइड कीजिए। दो चीज मांगा गया है, एक चीज मैं दे दिया हूं, एक चीज की जिक्र थी तो मेरे पास उठा नहीं, जिसके कारण आपातकालीन ही बैठक बुलाई। इसलिए इस बैठक में अगर आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तो इसको इग्नोर नहीं करें। और तमाम बिहार के जितने भी एनएम बहने हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को भेजिए, लेकिन मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए। लोग बहुत गलत फहमी का शिकार भी बन जाएंगे, उनके लिए भी मैं एक बात बताता हूं, जो आपको बोल रहे होंगे निगेटिव बात उनको भी बोलिए कि आप भी मीटिंग में चलिए।
और उनके लिए भी दरवाजा खुले हैं, वो आए मीटिंग में अपनी बात को रखें। एक तथ्य एक अति के साथ में उनको प्रस्तुत करूंगा और बताऊंगा और दिखाऊंगा कि देखिए क्या है। इसलिए मैदान में उतरे हैं तो हर तरह से तरीके से आप परिपूर्ण हो जाइए, क्योंकि 17 तारीख की हियरिंग जो है एएनएम के भविष्य को निर्धारित करेगा। इसलिए किसी के निगेटिव जो बातें हैं उसमें आप लोग ना आए, अगर वो बताते भी हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि आप अभी तक क्या किए, आप अभी तक क्या किए, आप अपने लिए क्या किए। और उनको भी मैं समझाना चाहता हूं कि भाई साहब ये समझो, ये अंतिम समय है, सबके तरीके अलग अलग हैं लड़ने का। आज दो पेपर के कारण आज हम लोग को हाई कोर्ट से दोनों बेंच में डिसीजन मिला है, तो पेपर बोलता है ना, आदमी नहीं ना बोलता है। अगर उनके पास ये एविडेंस नहीं रहता, जो बार बार रिजल्ट का उन्होंने कॉपी दिखाते हैं और रिजल्ट पर चर्चा करते हैं, लाइट आ गई तो हम लोग को भी क्या, इसलिए एक घंटा परेशान, अभी लाइट आई है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए हर तरीके से जो आप रिस्पॉन्सर नहीं है, आप यहाँ पे रेस्पोंडेंट है, वो पिटिशनर है। पिटिशनर ने जो क्वेश्चन एराइज करेंगे उसको जवाब रेस्पोंडेंट के एडवोकेट साहब को बखूबी देना पड़ेगा। और एक एक चीज को डिफाइन करना होगा, वहां कोई दलील नहीं चलेगा। इसलिए बहने समझिए, सभी क्रांतिकारी भाई लोग समझे, ये लड़ाई सिर्फ कैडर रूल पे आके अटक गई है। बिल्कुल। और इसको मजबूती के साथ, चाहे 2018 कैडर रूल हो चाहे 2023 कैडर रूल हो, इसको जो अच्छा से दर्शाएगा, जज साहब को जो लगेगा उसको डिसीजन देंगे। तो हम लोग भी अपने तरफ से हर तरह से मजबूत हों, और ये दुनिया जानती है कि आज के दौर में तीन बल है मेरे पास। एक आप मेंटली भी बहुत अच्छे रहोगे, फिजिकली भी बहुत अच्छे रहोगे और इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छे रहोगे, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। और अगर आप दो सही हो, आर्थिक कमजोर हो, तो आगे वाला आदमी आपको रिली बात कहीं ना कहीं आपको पछाड़ेगा। बिल्कुल, आप जैसे प्लेयर उतारेंगे वैसे प्लेयर आपको उतारना होगा। और अभी तक ने हमने कर दिखाया है सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक। लोग कहते हैं कि सुरजीत जी बार बार अपने एडवोकेट को भी चेंज कर देते हैं। बिल्कुल, तो ये तरीका होनी चाहिए ना भाई। मेरा प्लेयर अगर जो मैं सेकंड बेंच, जैसे आप हाई कोर्ट को लीजिए, हाई कोर्ट में बहुत आदमी बोल रहे थे कि आप निगाह मोलीशर को क्यों रखेंगे क्यों रखेंगे। मुझे लगा और हमारे कुछ क्रांतिकारी बहने को हमने बताया, उन्होंने एक्सेप्ट की और एक्सेप्ट करने के बाद रेली बात में रखा और अच्छे डिसीजन आई। आज तक जो मेरा डिसीजन है, लोग कितनों लोग कहते रहे, जो डिसीजन हाई कोर्ट का है उसको अभी किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से है। बिल्कुल, नौकरी हमको सरकार देगी, जो क्वालिफाइंग है उनकी भी लड़ाई सरकार से होनी चाहिए। जी जी, उनकी नौकरी भी सरकार देगी,
गलती यहाँ सरकार किया है जी। एक बार एक अपॉइंट निकाला, एक विज्ञापन निकाला और दो कैडर समाहित कर दिया। इस चीज को हम बहस कराएंगे। विज्ञापन एक, देखिए आज से पैतरा फिर हम बदल रहे हैं, विज्ञापन एक कैडर रूल दो क्यों? बिल्कुल। सरकार को तो जवाब नहीं जुड़ेगा। आप एक आदमी है, खुद लेमन आदमी भी समझ सकता है, इसलिए मैं एकदम लेमन टर्म में समझा रहा हूं आपको कि विज्ञापन एक आप एक तरफ कह रहे हो कि इसमें किसी तरह की कोई अमेंडमेंट्स नहीं की गई है, सरकार की दलील यही है, ठीक है? एकदम साफ सुनिए, सरकार की दलील है कि वहां देते हैं कि इसमें बदलाव कहां किया गया है। जो एएनएम पढ़ती थी उनका कोर्स 2 इयर्स तो है, वो भी है, इसमें मार्क्स जो था अति एक्सपीरियंस का वो भी है, तो इसमें बदलाव कहां किया गया है? अरे भाई, इसमें जो मेन चीज था वही स्ट्रीम को तो आप बदल दिए। इसलिए सरकार ही दोषी है यहां पे। और सरकार दोनों को लड़ाई करवा रहा है। सब मैसेज पढ़ रहा हूं और जो कमेंट हो रही है ना वो मैं कमेंट देखता हूं, ठीक है? बट हम आज तक किसी भी तरह से निगेटिव मैंने चीज में विश्वास नहीं करते हैं, उसको मैं देखता हूं। बहुत हद हो जाती है, बहुत पार कर जाते हैं, तब लोग को उनको मैं फोन करता हूं। जैसे आज मैं किया हूं एक आदमी को, एक बंदा का फोन। निगेटिव माइंडेड को बात में लेकर के नहीं चलनी है, हमको क्या करना है वो देखना है। फाइल ही कर दीजिए, ये लोग जो है ना सब पलटी मार के ऐसे लोगों की फाइल कर दीजिए, इससे हमको कुछ दिक्कत मत होगी। इसलिए लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, जिसको जैसे कहना है, हमको उससे नहीं मतलब है, है ना? हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ काम से। आज तो जिस तरह से मतलब ये हुआ, नेटवर्क इशू के कारण बहुत प्रॉब्लम हो गई। आज मैं यही बात सबको आह्वान करूंगा कि कल के मीटिंग में आइए, और मीटिंग में आने के बाद सारे लोग एक दूसरे से पहचान भी होगी, क्योंकि नौकरी तो 2018 का ही होने वाला है, तय है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत कुछ इधर उधर होगा, तबे सोचे लोग कि 2023 का भी इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कैडर रूल की है। अब किसी प्रकार की कोई लड़ाई इधर उधर नहीं है, सिर्फ कैडर रूल की लड़ाई है। हमारे एडवोकेट भी कैडर रूल पर ही हैं, उनके एडवोकेट कितनों कुछ जाएंगे तो उनको आना ही पड़ेगा कैडर रूल पे। लेकिन उसके अलावे ये जो मीटिंग जो उन्होंने हमेशा क्वेश्चन उठा रहे हैं हाई सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं के क्वेश्चन पे कल मैं मीटिंग रखा हूं। जब आप इस तरह की बात हमेशा कर रहे हैं कि हमारे साथ 8700 इतने आदमी को कत्लेआम किया जा रहा है, तो मेरे पास भी तो लोग मैंने वो लोग तो दूसरे नहीं है, उनको भी तो कत्लेआम किया जा रहा है ना भाई जी। तो वो वहां पे प्रूफ दिखाएंगे, क्योंकि वो रिजल्ट उसमें लगा रखे हैं, उनका SLP में वो लगा हुआ है, ठीक है जी। तो जब उनका SLP में लगा हुआ है वो क्वेश्चन अगर बहस में होगी तो हमारे तरफ से भी सारे फोटो कॉपी वहां पे दिया जाएगा जी। कि हम भी इतना लोग को भाई हमारा कैडर रूल 2018 के अनुसार इतने लोग कत्लेआम हो रहे हैं। अगर सरकार इस तरह के दलील वहां देगी तो बतावे सरकार किनको लेना है नहीं लेना है, या दोनों के लिए लेना है। अरे भाई, विज्ञापन संख्या 22 में हमेशा लास्ट में कोई विज्ञापन में लिखा रहता है कि इसमें घट बढ़ सकता है, तो ले लो सबको, गवर्नमेंट के पास उतना पॉलिसी उतना रिक्त पद भी है जी। लेकिन भाई हमको कैसे तुम छोड़ दोगे?
जो 2018 कैडर उनको फॉलो करता है, जो विज्ञापन फॉलो किया, जो 10 साल से 12 साल से आपके यहाँ काम कर रहा है, जिसकी उम्र नहीं बच रही है, आने वाला बहाली में उसकी उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी, उनके बच्चे रोड पर चले जाएंगे, अगर आप सारा वैकेंट पोस्ट कहेंगे इसमें फिर पद भर दीजिएगा, तो हमारे जो कंट्रेक्चुअल बेसिस वाले हैं लोग वो बाहर हो जाएंगे। तो भाई इस तरह की बात को तो आपको तो बचाना होगा। अगर सरकार इस तरह के, अगर जज साहब जरा सा भी इधर उधर जाएंगे तो फिर बोर्ड दूसरा ले लेगा। इसलिए तैयारी अपने तरीके से करना चाहिए और मीटिंग का रखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी बहने हैं, हमारे जितने भी गार्जियन हैं जो प्रबुद्ध हैं, कल के मीटिंग में आए, आपका स्वागत है। एक को नहीं, आदमी के सब प्रकांड विद्वान है, सारे चीज हम ही जान रहे हैं, ये तो हमेशा मैं बताते रहा हूं। जी जी, हर आदमी से रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और अब तो हम लोग भाई मेडिकल ब्रांच में है, इसमें तो और कुछ न कुछ हमेशा मिलते रहता है। इसलिए सारे लोग को हम आह्वान करते हैं कि कल के मीटिंग में आइए और आने के बाद अपनी बातों को रखिए, हमको समझाइए, जहां पे त्रुटि लगता है उसमें गाइडलाइन कीजिए हमको। खास करके हमारे जितने भी क्रांतिकारी बहने हैं, आप देखे रहे हैं ग्रुप में फोटो पूरा अंजू जी डाल रही हैं, 10 क्रांतिकारी बहने हैं और हमारे साथ जो प्रबुद्ध गार्जियन हैं, कुछ साथी भी हैं और कुछ अनुज भी हैं, लोग भी कल के मीटिंग में उम्मीद है कि सारे लोग उपस्थित होंगे जी। और मीटिंग हमको उम्मीद है कि अच्छी होगी। बिल्कुल, मीटिंग अच्छी होगी, इसलिए कि लोग भी जान रहे हैं कि ये अंतिम लड़ाई है और अंतिम फैसला भी है। हमको नहीं लगता है कि उस 17 तारीख के बाद भी एकाध हियरिंग चलेगा तो चलेगा, अन्यथा समाप्त ही हो जाएगा जी। अब देखिए 23 का जो होने वाला था सुनवाई 27 को हो गया जी। तो कहीं ना कहीं सरकार के एडवोकेट वहां जाकर के बोले हैं, एक पिटीशन बेचारे दिए हमें, बिल्कुल, या जज साहब को किसी तरह का कुछ लगा होगा तो 27 को उसको ई कर दिए, एडजॉइन कर दिए। अब हम लोग के पास भी टाइम नहीं है, सारे लोग तो हम यही कहेंगे कि आपके पास अब समय नहीं है जी। 24 बीत गया और 25 बचा है। सीनियर एडवोकेट को रखने के लिए 10 दिन पहले 15 दिन पहले उनको सब चीज पेमेंट कर दिया जी जी। और आज के डेट में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पैसा के सामने कुछ नहीं है, पैर भी आपका और पैसा और रिलेशन किस टाइप का, किस जगह पर कैसा है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहेंगे तो अच्छे से अच्छे एडवोकेट रहेंगे। आज मेरे पास रेली बात, जब लोग नहीं अति किया तो अच्छा था, तब ना हमने दो एडवोकेट को रख लिया जी जी। एक्सपेक्ट तो किए थे कि कोई और भी रखेंगे लेकिन नहीं रख पाए, तो फिर हमको लगा कि नहीं, अब फिर इधर सुनते हैं कि लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो एक रखेंगे सीनियर, तो भाई बढ़िया वेलकम है कि नहीं, वेलकम है, आप रखिए। अरे भाई आप वहां तो हम ही को सपोर्ट करेंगे ना, और उनको भी बताते हैं कि अगर आपके बात में निगेटिव माइंड में निगेटिव बात चल रही है तो आप भी कल मीटिंग में आइए और आकर के अपनी ओपिनियन दीजिए। यहाँ कोई जायदाद की लड़ाई नहीं है,
है ना जी जी, और ना तो और नहीं तो पर्सनली ईगो लेनी चाहिए। एक अच्छे इंटेलेक्चुअल आदमी की पहचान होती है एकदम, हमसे तो गार्जियन लोग भी हैं लेकिन हमको भी तजुर्बा है कि आप अच्छे अगर इंसान है, इंसान जिस चीज में लग गया ना तो उसका बर्ताव रियली बात हर तरह से निगेटिव पॉजिटिव दोनों, और प्रयास करना चाहिए कि निगेटिव को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में। थोड़ा सा मैंने एक वीडियो देखा था, जैसे आपका मैं देखा हूं कि सुरजीत जी 50,000 रुपए पप्पू को देते हैं। अरे भाई यहाँ तो एडवोकेट को पैसा नहीं मिल रहा है और पप्पू को पैसा, पप्पू को पैसा कहाँ से दिया जा सकता है। कुछ दिन मैंने आपका भी मैं देखा था ना, कुछ में लोगों का कमेंट आया था कि अब जा रही है थोड़ा सा, देखिए नेटवर्क का इशू है इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सर का वीडियो रुक गया है, फिर से सर आ जाएंगे। जी सर, बरसाती मेढक बोल रहा था, क्या बोल रहा था? थोड़ा सा नेटवर्क के सर की तरफ इशू हो गया होगा इसलिए सर का वीडियो रुक गया है, फिर से जुड़ जाएंगे सर, फिर से जाएंगे। एक बोतल पानी खत्म कर दिए बताइए, और अभी तक नेटवर्क के इशू के कारण ऐसा होता है, समझे। फिर से सर लाइव आ जाएंगे, कितना परेशानी आज झेले नहीं देखे हैं। लगभग 12 बजे से ही सर बैठे हैं, 12 बजे लगभग 12:15 बजे हम लाइव आए उस चैनल पर, आप देखे। थोड़ा सा भी जो है नेटवर्क इशू हो जाता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बताइए सर, बहुत बताइए। अब लाइव को समाप्त भी किया जाएगा इसलिए कि हमको काम है कल का मीटिंग का, बहुत तो हम तो यही कहेंगे अब लोगों को कि सारे लोग आइए कल का मीटिंग में, और सिर्फ कैडर रूल पे बात होगी और जितने भी कागजात है जो आपका रुक रहा है, समझे सर। वीडियो तो दिखाई दे रहा है इधर से, अब चल रहा है। अब वीडियो चल रहा है नहीं, छोड़िए हटाइए आज तक, मोबाइल नेट पर ले लीजिए ना, मोबाइल के नेट पे आप वाईफाई पर लिए होंगे इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। नहीं नहीं नेट पे लिए हुए, तो वाईफाई नहीं है, मोबाइल का नेट पे ले लीजिए। नहीं वीडियो नहीं चल रहा है आपका, वीडियो रुका हुआ, वीडियो रुका हुआ, वीडियो चलेगा तब तो इशू आपके पास क्यों नहीं चल रहा है वीडियो। कारण कि मेरे पास तो इशू नहीं है उस टाइप का। इधर नेटवर्क की दिक्कत नहीं, इधर तो चल रही है, पता नहीं क्या हुआ। जी आवाज जा रही है,
ठीक है, तो अब 5 मिनट में अति समाप्त कीजिए, ठीक है। तो जितने भी हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन, हमारे भाई बहन जितने भी लाइव को देख रहे हैं, आपसे मेरी अपील है, पता नहीं नेटवर्क का इतना इशू क्यों है, नहीं समझ नहीं आ रहा। मेरे तक तो ठीक है, आपकी तरफ थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा दिक्कत। सब तो लिख ही रहा है, नेटवर्क तो सही बता रहा, सारे लोग लिख रहे हैं, वहां तो वीडियो चल रही है, वो तो देख रहे हैं हमको। ठीक है सर, ठीक है सर, लिख रहे हैं लोग। नहीं आवाज थोड़ा सा आपका जो है ना, आवाज तो आ रही है, बट आपका वीडियो नहीं चल रही है, वीडियो चलेगा तब तो। अच्छा ठीक है, आवाज भी चल रही है, वीडियो लोग सुनेंगे तो। जी सर बताइए, बताइए। सबसे घातक आज ही लाइव सिद्ध हो रहा, अब कारण कि अब काम मुझे करना है कल का अथी में, सबसे घातक लाइव आज सिद्ध हो रहा है, सिद्ध हो रहा है सर, क्या कहें, पता नहीं, आज छोड़िए। तो ठीक है, अब यही चीज आह्वान मैं करता हूँ कि कल के मीटिंग में लोग आए, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरी अब सिर्फ यही आह्वान है कि कल के मीटिंग में आए, जो जो बताया गया है, जो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अपने पेपर को लेके आएंगे और अपने नाम रजिस्टर में जरूर लिखवाएंगे, और जो पेपर रहेगा उस पर पीछे सिग्नेचर कर करके ही लाएंगे, ताकि वहां किसी प्रकार की कोई हमको खोजने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप तमाम जितने भी बिहार के, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे फ्रेशर हो, जो भी बहने सुन रहे हैं, जो 2018 कैडर रूल से इस्तीफा रखते हैं, भारी से भारी संख्या में कल मीटिंग में आइए और अपनी सहभागिता दिखाएं, ताकि हम आगे का निर्णय ले सकें। मेन ये निर्णय लेने के लिए ही मैं बैठक बुलाया हूं, है ना। इसलिए सारे लोग कल का बैठक अटेंड कीजिए और ये माइंड में बना लीजिए कि आपकी लड़ाई क्वालिफाइंग से नहीं है, सिर्फ यहां कैडर रूल से है, और हमारी लड़ाई सिर्फ सिर्फ सरकार से है, किसी से नहीं है, क्योंकि सरकार हमको नौकरी देगी, सरकार उनको नौकरी देगी, और कोर्ट उसमें जजमेंट करेगा कि कौन रूल्स सही है। तो जिसका रूल्स सही होगा, 2018 का होगा या 23 का होगा, अब जजमेंट होगी। इसलिए कल की बैठक भविष्य की अंतिम बैठक होगी। आप तमाम जितने भी पेरेंट्स, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हैं, आप सबसे अपील है कि कल का मीटिंग में आइए, और एक संदेश उनके लिए है जो डबल मीनिंग का प्रयोग करते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आज के बाद कम से कम डबल मीनिंग का प्रयोग मत कीजिए। किसी के मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए सर से अभी, और किसी को कुछ है दिक्कत तो आप साफ साफ डायरेक्ट पूछिए, जो भी पूछना है क्लियर कट पूछ लीजिए।
सब लोग बना लीजिए माइंड में कि सिर्फ 2018 कैडर रूल का कैसे सपोर्ट करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। जी अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छे से अच्छे एडवोकेट जिस तरह से फर्स्ट सेकंड टाइम रखे हैं एक तो रहेंगे ही रखेंगे, लेकिन सपोर्ट रहेगा तभी हम लेखी सर को रख पाएंगे, क्योंकि उनको प्रत्येक हियरिंग का पैसा देना है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हमको सहयोग कर रहे हैं, इसलिए लड़ाई अब सिर्फ कैडर रूल की है, सिर्फ सरकार से है। अब सरकार को ही जवाब देना है और सरकार का ही काट हमारे वकील करेंगे और किसी प्रकार की कोई अब कोई खास नहीं है। जज साहब ने सारे चीज लगभग सुन लिए हैं, जान गए हैं। सर एक सवाल है, जो नहीं आ पाएंगे मीटिंग में उनके लिए क्या है बताइए। उसमें बताया गया है कि जो नहीं जा पाएंगे अगर बहुत प्रॉब्लम है तो आप अपना चाहे एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे हैं चाहे स्कूटनी का पेपर हो उसका पीडीएफ बना करके जरूर भेजिए। और साथ में हम ये अपील करेंगे कि सहयोग राशि भी जरूर दीजिए, इसलिए कि हम लोग को अब कल के बाद डिसीजन लेनी है। जी और मीटिंग में बताई गई है क्योंकि एडवोकेट बहुत माने लाइट वाले नहीं है, उनको बहुत माने ये करने के बाद हम लोग रखे हैं, सारे लोग जान रहे हैं, इसलिए पीडीएफ बना के भेजेंगे और अपना सहयोग राशि भेजेंगे तो उनका नाम उनका पीडीएफ निकाल करके पेपर को रखा जाएगा और बजापते हुए जब पूछेंगे तब डायरी से उनको दिखा दी जाएगी सीरियल नंबर सो एंड सो में आपका नाम है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई नहीं है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि आप लोग मीटिंग अटेंड कीजिए और मीटिंग में आइए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग, चाहे आरबीएसके का वाहन हो चाहे एनएमआर का वाहन हो चाहे एनईएचएम का हो चाहे मेरी फ्रेशर बहने हो, सारे लोग अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप मीटिंग अटेंड कीजिए। देखिए एक बार सर एड्रेस फिर से लिखाइए, एड्रेस मीटिंग का एड्रेस। अच्छा मीटिंग का एड्रेस है शकुंतला कम्युनिटी हॉल करबीगहिया पटना। आप अगर जो शकुंतला कम्युनिटी हॉल करबीगहिया पटना के बारे में स्टेशन के करबीगहिया स्टेशन से बाहर निकलेंगे बस वहां से यू टर्न राइट लेना है, राइट लेना है रोड वहीं लेके जाएगी और फिर आगे चौराहा, चौराहा से फिर लेफ्ट हो जाना है, बस थोड़े सा दूर आगे चलेंगे सीधे कम्युनिटी हॉल ही मिलेगा, नहीं तो बीच में सिर्फ सरकारी क्वार्टर मिलेगा, ऑफिस मिलेगा, इसके बाद सिर्फ कम्युनिटी हॉल मिलेगा। स्टेशन से निकले राइट साइड लिए और राइट साइड से फिर जो है हम सीधे जो है लेफ्ट साइड मुड़ेंगे बीठापुर वाली बस स्टैंड में और मुड़ेंगे और जस्ट मैंने फ्लाइंग ओवर है ऊपर ब्रिज है इसके बाद जस्ट उसका नीचे हुआ है मैंने करबीगहिया पावर ग्रिड के जस्ट सामने शकुंतला कम्युनिटी हॉल, कोई आपको बता भी देगा, आप करबीगहिया चौराहा के पास जाएंगे तो किसी से पूछेंगे कोई बता देगा कि सामने है, आप चलते चल जाइए लेफ्ट साइड में आपको वही मिलेगा ही मिलेगा, पहला कम्युनिटी हॉल वही मिलेगा। और भी किसी के मन में कोई डाउट, प्रीति कुमारी सर का नंबर हम दे देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, तो हर वीडियो में सर का नंबर लगा देते हैं। और मैं कहूंगा जितना आप सहयोग मुझे करेंगे उतना ही अच्छा हम एडवोकेट रख पाएंगे और नहीं करेंगे तो फिर तो समझिए कि क्या है, फिर तो उसी टाइप का हम रखेंगे। और भी किसी के मन में कोई डाउट, टाइम 10 बजे तक पहुंचना है आप लोग। हाँ 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच लोग दूर दराज से भी आएंगे, एक्चुअली मीटिंग तो चलेगी शाम तक, मीटिंग चलेगी 2 बजे जाएंगे 3 बजे जाएंगे लेकिन 11 बजे तक
पहुंचनी चाहिए ताकि सारा लेटेस्ट आप लोग 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। माधव सिंह 11 बजे तक आपको लेटेस्ट पहुंचना है। लेटेस्ट 11 बजे तक आपको पहुंच जाना है। पेपर जरूर लेके आएंगे लोग, एकदम पेपर जरूर लेके आना है, इसलिए कि हमको अति आवश्यक है। और भी किसी के मन में कोई डाउट है? और भी किसी के मन में कोई डाउट, कोई शंका है तो बताइए। अब किसी के मन में सर कोई सवाल नहीं है। सर के नंबर पे करना है, प्रीति कुमारी सुरजी सर के नंबर पे करना है, और नंबर लिखवा लीजिए। अब स्कैनर पप्पू जी आप लगाइएगा आप, ठीक है? अब लोग जो है ना, अब लोग क्योंकि कुछ कुछ लोग हमको भी फोन कर रहे हैं तो वो चलता है ना, तो लोग ज्यादा देखते हैं लोग। जी जी इसलिए आप तमाम जितने भी लोग हैं अब कल आइए और मीटिंग को एक सफल बनाइए। अब हम इसलिए मीटिंग के लिए तैयारी में जा रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और सभी लोग इस बात को कंफर्म समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ लड़ाई अब कैडर रूल की है। अब जिसकी जीत वही सिकंदर, अगर हम जीत गए तो हम सिकंदर, और जीतबे करेंगे ना, कोई हमको हराएगा थोड़ो, इसलिए कि मेरा जो उसमें जो लगा हुआ है वो कोई काट नहीं सकता। जी जी, बस अच्छा प्लेयर उतारने का आती है कि अच्छा प्लेयर मैं उतारूं फिर से। जी, और अच्छे प्लेयर उतारेंगे तो बोल तो पिलाएंगे। सरकार यहाँ पे दोषी है ना जी, सरकार से लड़ाई है ना। हमारी बहने के जो जॉब होगी किससे होगा? सरकार देगा, सरकार उनको भी सरकार देगी, लेकिन सरकार में गड़बड़ी है ना। तो हम तो सरकार को हराए हैं ना। मैं बार बार कहता हूं, मैं दोनों बार सिंगल बेंच डबल बेंच सरकार को हराया हूं। हम कोई माने दूसरे लोग समझते होंगे कि हमको हरा, जी नहीं, हमारा कतई नहीं ऐसा बयान रहा है, आप उठा के देख लीजिए। हम सिर्फ सरकार को हराए हैं और अगले 12-17 को सरकार को ही हराएंगे। बिल्कुल समझ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता कुमारी आप भेज सकते हैं, अगर कोई नहीं आ पाते हैं तो डॉक्यूमेंट के साथ आप जो है ना सहयोग राशि भी लेके आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए अगर वो नहीं आ पाते हैं तो आप उसका डॉक्यूमेंट और सहयोग राशि लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, एकदम बहुत आसान है। जो नहीं जा पाएंगे ना, जो नहीं जा पाएंगे तो सर का नंबर जो है ना, अभी 5 बजे जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम नंबर लगा देंगे सर का, उस नंबर पे आप लोग सहयोग राशि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसको व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक, वही सर का व्हाट्सएप नंबर है, वही सर का फोन पे नंबर है, सब कुछ, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। सहयोग राशि कैसे भेजें लोग, तो पे फोन पर बोल दीजिए, पे फोन पर। कोई अंजीत जी हैं, सर का पे फोन नंबर है। और भी किसी के मन में कोई डाउट कोई शंका है तो बताइए। अच्छा नंबर लिखना है तो आप नंबर लिखिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सर का नंबर सारे लोग लिख सकते हैं, नंबर है 77-398-66-775। एक लिखते हैं रिंकू जी, नंबर नहीं मिल रहा है, फिर से रिपीट कीजिए इसको पप्पू जी। देखिए नंबर हम लगा देंगे और स्क्रीन लगा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। और भी किसी कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, नंबर नहीं मिल रहा है रिंकू,
रिंकू कुमारी का ना अति है कि नंबर नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। आप रिंकू जी नंबर नोट कीजिए 7738667675। नंबर को लिखिए और जी सर के नंबर पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है, और कहीं पे आपको पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट नहीं करना है। किसी को नहीं कोई उस तरह का बात बोलता है तो आप डायरेक्ट संपर्क कीजिए, चाहे पप्पू जी को बोलिए, चाहे ग्रुप में लिखिए, और आप ग्रुप में जुड़िए, लोग ग्रुप में जुड़िए मैक्सिमम लोग, इसलिए कि ये सर का नंबर है, सुजी सर का फोन पे नंबर है, ठीक है, ठीक है, ये सूर्जी सर का फोन पे नंबर है, इस नंबर पे आप लोग पेमेंट, अगर नहीं आ पाइएगा तो सर को इसके सहयोग कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ममता कुमारी आ जाइए, अर्चना जी का कहना है कि नंबर पर भेज सकते हैं। हाँ भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पीडीएफ बना के भेजेंगे, लेकिन ताकि साफ साफ निकाला जा सके आपका पेपर का थी। रत्नेश जी कोई है जो, रितेश जी जो लिखते हैं कितने परसेंट वाले को आना है, वैसी कोई बात नहीं है, ये लड़ाई कैडर रूल की है। अगर आप काउंसलिंग में आपका नाम है तो आप आइए मीटिंग में, बिल्कुल, अगर काउंसलिंग में आपका नाम है तो आप आइए और सहयोग कीजिए, कहीं कोई गड़बड़ी होगा तो आप डायरेक्ट हमसे। कोई भी दिक्कत होगा ना, ये सर का नंबर है, इससे आप बात कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे जो व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। बिल्कुल बिल्कुल, और भी किसी के मन में कोई डाउट है, कोई शंका है तो पूछ लीजिए, नहीं तो कल आइए, कल डायरेक्ट सर से मिलिए और पूछिए सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, कल डायरेक्ट ही आइए और सर से ही पूछिए मीटिंग में ही। जी